بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سورة بارا سورة طه آيات مباركة 88 और उसके बाद आयत शरीफा 88 के अल्फाज मुबारक के मायने फअखरजा, तो उसने निकाला, किसने? सामरी ने। एक है खराजा यखरजो और एक है अखरजा युखरजो, दोनों में फर्क है। तवज्जो फरमाइए, ये जबान अरबी है जिसको हमारी महरूमी कि हमें समझाया गया कि ये दूसरे दर्जे की है, घटिया सोच और घटिया लोगों की। अल्लाह इस सोच को बदल दे। फअखरजा लहुम, तो उसने निकाला, अखराजा निकालना, खराजा निकलना। लहुम उनके लिए, बनु इसराइल के लिए, इजलन महल एक बछड़ा, जेवरात पिघले हुए थे उनका एक बछड़ा बना। فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْرًا, तो उसने उनके लिए एक बच्चा निकाल दिया, जसदन, वो महज जिस्म था और कुछ नहीं था, उसमें हरकत, खाना पीना, बातचीत करना, सुनना समझाना, नफा नुकसान का मालिक बनना, जसदन एक जिस्म था। लहू खुआर, उसके लिए गाय की आवाज थी। फकालू, तो उन्होंने कहा, हाजा इलाहुकुम, ये तुम्हारा माबूद है, माअल्लाह। मुशरिक निहायत बेअकल, लेकिन बेअकली के पर बात रुकती नहीं। उसके बाद क्या है? वह इलाहु मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद, फनसिया, तो वो भूल चुके। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिर्क करने वाले, बामुहावरा तर्जमा सुन लीजिए, तो उसने उनके लिए एक बच्चा निकाला जो महज जसद था, उसके लिए गाय की आवाज थी। तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद है, और वो भूल गए। उसमें जो चीज थी, राजा ने तफसीर किया थी, लेकिन उसकी साख्त ऐसी बनी कि गाय ऐसी, गाय की आवाज आती। आज मुख्तलिफ तरीकों से ये जो खिलौने बनाते हैं, मुर्ग की आवाज और इस तरह दीगर चीजों की आवाज आती है कि नहीं, तो ये सारे माबूद हो गए। उनके ये गलती में मुब्तला होने का जो सबब था वो क्या था? कि गाय की आवाज आ रही है जेवरात से बने हुए जिस्म से, और उन्होंने कहा, किन्होंने? बनु इसराइल ने, जो सारा बोझ किस पर डाल रहे थे? सामने पर।
ये कौन कहने वाले हैं। और अल्लाह अपने बयान में बारीक बीन और नाप तोल के फरमाने वाले हैं या वहां कुछ मुबालगा है। उन्होंने कहा और कहां तक बदतमीजी और गुस्ताखी में पहुंचे कि ये तुम्हारा माबूद और किसका, यानी मूसा अलैहिस्सलाम खामखा चक्कर काट रहे। हुआ क्या उनको, भूल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, बदबख्ती, देखो कौन मूसा, वो मूसा जिसको अल्लाह ने वो मौजदा दिखाया, कमजोर माँ का कमजोर बेटा ज़िबह कर दिया जाए। मूसा की अम्मा उनके खानदान के लिए बचाव की कोई तदबीर थी, उसकी कौम के लिए पूरी उम्मत बनी इसराइल कोई तदबीर अगर होती तो करते। इनको भी तो मूसा जी अजी वो तो मैं जो मैं चाहता हूं कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से क्या दिखाया। मैं असल में एक और बात की तरफ जाना चाहता हूं, मेरे नौजवान बेटे बड़ी तवज्जो करें और बुढ़े भी करें, बुढ़े भी यूनुस साहब ऐसी बात है ना, अल्लाह ही हदायत दे हमें भी, बड़े टेरे हैं। क्यों मोहम्मद अली साहब, और बूढ़ा टेढ़ा हुआ जवान तो फिर समझ गए, बूढ़े को कौन समझाए, ना उसकी माँ है ना उसका बाप है, न ताया है न चाचा है, उसको कौन डांटे। रब्बी उसको अकल दे दे तो आ जाती है, वगरना बूढ़ा बिगड़ा हुआ। अल्लाह मुझे आपको बचा ले। और ये कोई मजाक की बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। घरों में लंबी मुसीबत है, अल्लाह हमें ऐसी मुसीबत का सबब ना बना। कभी कभी अपनी बात भी खराबी की करनी चाहिए। तो यानी मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उनके हाथ पे क्या दिखाया, बनू इसराइल सोच भी ना सकते थे। इतनी बड़ी कुव्वत वाला फिरौन, जिस जगह से वो सही सालिम बच के निकले वहां गर्क हो, ये छोटी बात थी। इससे बड़ी शिकस्त, जिल्लत, रुसवाई, मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं जो उसको हासिल हो। और फिर उससे पहले फअरसला फिल मदाइनि हाशिरीन, शहरों में जादूगर इकट्ठे करने के लिए भेजे गए। अल्लाह जाने वो किस कदर छान फटक के बाद उन जादूगरों का इंतखाब करके बाद, फिरौन सल्तनत का मालिक दुनियावी तौर पर, जब उसने शहरों से जादूगर इकट्ठे किए होंगे तो पता नहीं इंटरव्यू के लिए कितने आए हों और किस तरह उसने उनको चुना हो, कोई कमी कोताही की होगी। और हुआ क्या कि बरसर आम वो सजदा रेज हो और धमकियों में जवाब में कहा जो करना है सो करो, हमने अपने रब के पास जाना है, हमारी ख्वाहिश है कि जो गुनाह हम कर चुके वो माफ कर देगा और जिस जादू पे तूने मजबूर किया वो अल्लाह माफ कर। ये दोनों मंजर देखने के बाद कोई गुंजाइश थी कि बनु इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत, हकानियत, सच्चाई और अल्लाह की तरफ से ताई जाफ्ता होने में कोई शक शुबा, कोई गुंजाइश थी। इसमें मैं एक और बात की तरफ जाना हूं जा रहा हूं जो हमारा सत्यानाश करे। लेकिन फिर बकवास किया। अब मैं दो बातें इस हवाले से अपने घरों के हवाले से करना चाहता हूं। एक तो यह है, बड़े लोग, बूढ़े भी, जवान माँ बाप भी, जब बच्चा कोई गुस्ताखी करता है तो उनका दिमाग फटना शुरू हो जाता है। वो अपने लिए जीना समझते मर जाऊं। अल्लाह जाने आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, मैं आप मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े,
और मैंने उनको अपने बच्चों को अपने कुंबे को क्या दिखाया है? कोई ऐसी कारीगरी की है मैं आपने जो मूसा अलैहिस्सलाम की कारीगरी का 1% भी हो? रब इज़ जगह गो मेरे इल्म में 1% का भी हजार हिस्सा है का कुछ नहीं मेरे पास। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बदतमीज लोग ये बकते हैं कि भूल गया, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा ऐसे हो। ये मैं कोई इसी को बुराई पर अंगेख नहीं कर रहा, अल्लाह कोई ना ऐसा आए ना ऐसा पैदा ही ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो मैं अब क्यों मर जाए? मैं जो कहना चाहता हूं वो ये समझाएं अपने आप को, इतनी बड़ी शख्सियत बदबख्तों ने उनके साथ गुस्ताखी की, अगर मेरे साथ की है तो बदतमीजों की तरफ से ये बात नई नहीं पुरानी, बात वाजी हुई। और दूसरी नौजवान और बूढ़ा जो जो अपनी बात पे अड़ता है मर्द औरत वो भी गौर करे। एक है जहालत और एक है जहालत मुरक्कब। जहालत यह किसी चीज का पता नहीं, और जहालत मुरक्कब यह है कि पता भी नहीं और समझता मुझे सब कुछ पता है। और मेरे ख्याल में आजकल घरों में यह बीमारी है कि नहीं, अंदर जाके कुछ तो बदतमीज बाप के दादा के नाना के मुंह पर कहते हैं, और जो नहीं कह सकते अंदर मां को बाबा को क्या पता है, हालात बदल चुके हैं, दादा बू और साथ में क्या क्या लगाते हैं छोटा सा नाना बू दादा बू उनको क्या पता है, हालात बदल चुके हैं। खाक है तेरी बात पर और तुझ पर, तेरे जैसे बीसियों या सैकड़ों या हजारों उनके हाथ से गुजरे, आज तू इतना सियाना बन गया। और वो भी याद करे बनू इसराइल की बदतमीजी को कि मैं इस वक्त बदतमीजों के लश्कर में जा रहा हूं, अकलमंदों के लश्कर में नहीं जा रहा। बात वाजी है, दोनों ग्रुप जिनके बारे में बदतमीजी की जाए वो भी हौसला रखें, और जो बदतमीजी करने वाले हैं वो भी सोचें कि उनका अंजाम किधर जाना है। बात वाजी होगी। अफला यरून, क्या पस वो नहीं देखते, अल्लाह यरजो ये कि नहीं रजा यरजो उठाना नहीं उठाता, इलैहिम उनकी तरफ कौलन बात कौन वो बछड़ा उसकी पूजा कर रहे हैं परस्तिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात किसी के लिए यही है ना कि वो माबूद हो जाए, इससे बड़ी कायनात में कोई बात है? अल्लाह के फजल करम से हम अल्लाह को अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारा एतिकाद यकीन है कि अल्लाह की ताजीम के लिए हमारे पास इससे ऊपर कुछ है? तुझे जो इतना बड़ा उसको एजाज दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह यरजो ये कि वो नहीं उठाते, इलैहिम उनकी तरफ कौलन किसी बात को, वला यम्लिकु और वो नहीं मालिक उनके लिए जर्रन किसी नुकसान, वला नफा और न किसी नफा के। जरा देखिए, वला यम्लिकु लहुम जर्रन व नफा और वो नहीं मालिक उनके लिए किसी नुकसान के और किसी नफक। अगर दोबारा लाम ना होता तो माना फिर भी बन जाता था कि नहीं? तवज्जो कीजिए, मैं चाहता हूं बात समझे। तो ये दोबारा लाम क्यों कहा? ज्यादा माशाल्लाह, ज्यादा जोर देने के लिए। जब एक ही बात को दो दफा दोहराएं तो जोर पहले से ज्यादा बढ़ता है, ये कम होता है।
تو نفی نفی, نہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی نفع کے مالک ہیں. اب با محاورہ ترجمہ سنیے, کیا پس وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان کی طرف کسی بات کو نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی کسی نفع کا. یہ جو میں نے کسی کسی کہا ہے, ذرن اس میں نکرہ ہے, کامن نون ہے, ذرن کامن نون ہے اس میں نکرہ, اور قولن اس میں نکرہ ہے. ایک ہے القول, ایک ہے الذر, ایک ہے النف. تو اس کی بجائے پراپر نون کی بجائے اسماء معرفہ کی بجائے کیا استعمال کیا, اسماء بولو نکرہ. اس سے عموم کا معنی ہو گیا, کوئی بات واپس نہیں اٹھاتی, کسی نقصان کے مالک نہیں, کسی نفع بولو نفع کے مالک. اور دیکھیے اللہ اکبر, موسیٰ علیہ السلام وہی دلیل دے رہے ہیں جو ان کے جد اعلی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو دی. ان کے جد اعلی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے. آئیے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات, سورہ مریم 16 پارہ آیت شریفہ 42, 42. یا ابتے اس قال ابی ہے, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتے, اے میرے ابا جی, اے میرے ابا, لم تعبد, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں, ما لا يسمع, جو سنتا نہیں, ولا يبصر, اور دیکھتا نہیں, ولا يغني عنك شيئا, اور آپ کے کسی کام نہیں آتا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ فرما لیجیے, اور اسی پر سبق رکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تردید میں پرانی بات کہی یا نئی کہی؟ بعض بدبختوں کو بہت زیادہ الرجی ہے پرانی بات سے, وہی بات پرانی. پرانی بات یہ ہے کہ بندے کا ایک باپ ہوتا ہے, ایک ماں ہوتی ہے, تو اب تیرے کتنے, اس کے بعد میں کیا کہوں. آج یہ بات نئی ہے کہ پرانی ہے؟ پرانی ہے, کب سے چلی آ رہی ہے. بات کرنے کی ہے حماقت, جدھر چاہو لیتے جاؤ. اللہ پاک حماقتوں سے بجائے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو. جتنا سلامتی کس میں, اچھی طرح نوٹ کرو اللہ کے لیے. میں اپنے گھروں میں یہ بات اپنے بچوں میں, بچیوں میں, بہوؤں دامادوں, بٹی صاحب ان میں عام کریں. عقل وہ نہیں جو تو یونیورسٹی کالج سے لے کے آ رہا ہے, عقل وہ نہیں جو چینل سے آ رہا ہے, عقل وہ ہے جو کتاب و سنت. رب ذو جلال گواہ ہے, عقل کا منبع ماوا قرآن. جو اس کے مطابق ہے ہو سکتا ہے عقل ہو, جو اس کے مطابق نہیں وہ جوتی کے نیچے رکھنے کے بھی قابل. ہم کیا بن رہے ہیں اور ہماری وعدیں کدھر جا رہی ہیں؟ اللہ کے لیے اپنے آپ پر, اپنی اولادوں پر ترس کریں. یہ در ڈالا ہے ڈالا ہے, ان کو کچھ وقت دے. گھروں میں رانا صاحب لے کے بیٹھے, لے کے بیٹھے پانچ منٹ سے, سمجھے صاحب, پانچ منٹ سے کوئی بات چیت کریں. یونس صاحب ان موضوعات کے بارے میں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. ٹائم نہیں, ٹائم نہیں, ایک ہی چل رہا ہے شیطانی جملہ. اللہ پاک مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو کنبوں کو
अकल अता फरमा, अकल से दूर 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 जा रहे हैं, अल्लाह हमाकत को मिटा दे, अकल अता फरमा, अकल अता फरमा दे, अल्लाह अकल अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व अला आलिही व असहाबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।